दोस्तों स्टोरी को देखने से पहले इसके बाकी वाले पार्ट्स जाकर जरूर से देख लीजिए। अभी तक हमने देखा था कि कैसे ये बाबा को लेकर चला जाता है, इधर इवल नन जेसन ये सब बाबा गुल्ली और शोन को लेकर अंदर आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, और फिर ये आपस में बात करने लगते हैं। रोड इसे बताता है कि यहाँ पर मैं कुछ बनने वाला हूँ। रोड आगे की तरफ जाता है, लेकिन रोड क्या बनने वाला होता है, तभी रोड वहाँ पर पहुँचता है और ये एक मॉन्स्टर बन जाता है। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी रोड दोबारा बुल्ली की तरफ आने लगता है ये बताने के लिए कि देखो मैं क्या बन गया हूँ। तभी ये इसके पास आ जाता है। बुल्ली तो इसको देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी ये बुल्ली से कहने लगता है, अरे डरो मत, अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अब पता चला मैं क्या बनने वाला था, तुम यकीन नहीं कर रहे थे। तभी बुल्ली कहता है, अरे ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, अरे क्या बात है, तुम तो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर बन गए हो, अब तो उनकी खैर नहीं। तभी रोड कहता है, अरे हाँ अब तो उनकी खैर नहीं, अब तो उन्हें लातों से मारूंगा, घूसों से मारूंगा। तभी ये बुल्ली को लेके वहां से उड़ जाता है। अरे अब तो जेसन इवल नन की तो खैर नहीं, क्योंकि ये मॉन्स्टर बन चुका है, अब तो वो इसके सामने बच्चे हैं। दोस्तों इस वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट स्टोरी कौन सी होनी चाहिए प्लीज यार कमेंट में बताइए। और फिर अगर आपने लाइक ना किया फिर मैं वो भी नहीं बनाऊंगा। जेसन इसे कहने लगता है, अरे हमें इसका जुगाड़ करना होगा, अरे इन्हें इतनी देर यहाँ पर रख नहीं सकते। तभी नन कहती है, हम इन्हें यहाँ पर रखेंगे लेकिन हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जेसन कहता है, अरे तुम ठीक सोच रही हो, मैं भी वही सोच रहा हूँ, अगर ये हम काम कर देते हैं तो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर घुस भी नहीं पाएगा, जो भी यहाँ पर आएगा सिर्फ उड़ ही जाएगा। अरे ये प्लान अच्छा है, ये हमें करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए। इसकी ये बात सुन के इवल नन कहती है, अरे तुम क्या सोच रहे हो, ये हमें करना चाहिए, अरे ये तो मैं कर चुकी हूँ, और अब तो देख लेना क्या खतरनाक चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों ये क्या करने वाले हैं और ये क्या कर चुके हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा, थोड़ी ही देर बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिरकार ये क्या कर चुके हैं। तभी ये दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। अरे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लान रचा है यहाँ पर, जो कि खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन होने वाला है, लेकिन होने क्या वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता और ना ही मैं बताऊँगा। इवल नन और जेसन बाहर की तरफ आ जाते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, ये अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ करके आए हैं। लेकिन इवल नन और जेसन ये नहीं जानते कि बाहर इनका कोई वेट कर रहा है। लेकिन कौन है ये, अरे ये तो आइसक्रीम मैन रोड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और इसके साथ तो बुल्ली है जो कि यहाँ पर पहुँच चुका है। अब दोनों की खैर नहीं, दोनों इसकी तरफ देखने लगते हैं, बुल्ली और रोड इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या हो गया है, मतलब अब तो इवल नन और जेसन नहीं बच पाएंगे, या फिर बच पाएंगे क्योंकि वो खतरनाक प्लान रच के आए हैं। तभी ये कहता है, बाबा गुल्ली शोन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अरे मैं हो चुका हूँ खतरनाक और कर दूंगा तुम्हें बीमार, अरे तुम देख नहीं रहे मेरी जिसामत, अरे तुम मेरे सामने बच्चे हो। तभी नन कहती है, अरे नहीं नहीं रुको, जरा सब्र करो, हम जो अंदर काम करके आए हैं उसके बाद तुम्हारे दोस्त नहीं बचेंगे, चाहो तो अंदर जाकर देख लो। तभी ये कहता है, अरे ये क्या करके आए हैं, हमें अंदर चल के देखना होगा, चलो रोड अंदर चलो। तभी ये कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अरे मुझे तो जाने दो, उसके बाद जाकर देखना, क्योंकि हमारे जाने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा, हा 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 हा, और तुम बच नहीं पाओगे। तभी रोड कहता है, कैसा धमाका और किसका धमाका, क्या तुम अंदर पोंप लगा कर आए हो, अगर तुम ऐसा करके आए हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अरे ये तुम गलत कर रहे हो। तभी नन कहती है, अरे छोड़ोगे तो तब जब तुम पकड़ोगे या फिर अपने दोस्तों को बचा पाओगे, अरे हम लोग तो जा रहे हैं, अब तुम अकेले फटोगे यहाँ पर क्योंकि अंदर हमने बॉम्ब लगा दिया है, अरे बॉम्ब थोड़ी ही देर बाद फट जाएगा। तभी ये सारे वहाँ से गायब हो जाते हैं और बुल्ली और रोड यहाँ पर खड़े रह जाते हैं, अरे ये कहाँ दफा हो गए। तभी ये उसको उठा लेता है और रोड इसे कहता है, तुम अंदर जाओ और बॉम्ब को ढूंढ के डिफ्यूज करो और फिर बाबा और गुल्ली को बचा लो। तभी ये कहता है, अच्छा ठीक है मैं अंदर जाता हूँ और तुम उनके पीछे जाओ और उन्हें छोड़ना मत, उन्हें जिंदा मत छोड़ना।
तभी बुली अंदर की तरफ भागने लगता है क्योंकि वो टाइम वाला बॉम्ब है और किसी वक्त फट सकता है। ये कोई नहीं जानता कि उसको फटने में कितना टाइम लगेगा। ये तो सिर्फ इवल नन और जेसन को ही पता है कि उसको फटने में कितना टाइम लगेगा। थोड़ी ही देर बाद ये सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। अरे शुक्र है ये यहाँ पर पहुंच आया है क्योंकि गुल्ली, शोन और बाबा यहाँ पर तो हैं। तभी ये इनको देखता है और देखता ही रह जाता है। अरे बेचारों की हालत क्या हो गई है। अरे ये तो यहाँ पर बेहोश है लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर बॉम्ब लगा हुआ है। तभी ये इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिरकार बॉम्ब लगा तो लगा कहाँ हुआ है। इधर उधर देखने लग जाता है, इसे जल्द से जल्द बॉम्ब को ढूंढना होगा वरना बॉम्ब फट जाएगा, बुल्ली भी उसमें मारा जाएगा और ये सारे भी उसमें मारे जाएंगे। तभी बुल्ली अपने अकल का इस्तेमाल करता है और इन स्टेयर के नीचे जाने लगता है। अरे ये हुई ना बात मर्दों वाली। तभी थोड़ी ही देर बाद ये वहां पर पहुंचता है। अरे ये लगा हुआ है बॉम्ब जो कि टाइमर बॉम्ब है जो कि थोड़ी ही देर बाद फट जाएगा। ये इसके पास आता है, इसको देखने लग जाता है लेकिन अब इतने टाइम में इसको ऊपर कैसे ले जाया जाए। बुल्ली तो इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। बुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इसको कैसे ऊपर ले जाया जाए। तभी बुल्ली अपनी हथेली पे जान रख के बाहर की तरफ भागता है और इस बॉम्ब को फेंक देता है। अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात। तभी ये सारे उठ जाते हैं, इन्हें होश आ जाता है। अरे इतनी ज्यादा आवाज कैसी, सारे कंफ्यूज हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कौन लेकर आए हैं। तभी ये सारे ऊपर की तरफ भागते हैं कि आखिरकार ये फटा तो फटा क्या है। अरे अभी पता चल जाएगा जब ये बाहर पहुंचेंगे। तभी ये सारे बाहर पहुंचते हैं और बुल्ली वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। बुल्ली इन्हें सारी बात बताता है कि कैसे इवल नन इन्हें यहाँ पर ले आई और उसके बाद ये इन्हें फटाना चाहती थी और मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी बाबा इसे कहता है, अरे बुल्ली तुम्हारा शुक्रिया, हमेशा मैं तुम्हें बचाता आया हूँ लेकिन आज तुमने हमें बचा लिया। तभी ये कहता है, अरे बाबा कोई बात नहीं और इसके अलावा आप इवल नन और जेसन की भी टेंशन ना लें, वहाँ पर रोड गया हुआ है वो उन्हें मार डालेगा। तभी ये कहता है, अरे ये हुई ना बात, अरे रोड तो हमारा अच्छा दोस्त निकला। अरे ये क्या, रोड ने तो इन्हें जमा दिया। अरे ये तो इनके साथ खेल रहा है जैसे किसी खिलौने के साथ खेला जाता है। अरे इसने तो इन्हें जमा दिया और एक खिलौना खिलौना बना दिया। अरे क्या बात है, एंड पे भी एक पोटरी कह दी मैंने। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट स्टोरी प्लीज कमेंट में बताइएगा और उस पर फुल सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।